दुनिया भर में नंबर ऑफ ई बुक सेलिंग का मार्केट बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हैं रफली 15 बिलियन से ज्यादा डॉलर्स का सेल सिर्फ और सिर्फ ई बुक्स में हो रहा है, और सबसे ज्यादा ई बुक सेल की जाती है अमेज़न पे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर आप स्टूडेंट हैं तो किस टाइप की ई बुक सेल करें, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल है तो किस टाइप की ई बुक को सेल करें, अगर आप ऑलरेडी एक हाउसवाइफ है तो आप किस टाइप की ई बुक को सेल करें। आप जिस किसी भी एरिया में हैं उस पर्टिकुलर एरिया में जाकर के आपको एक्सप्लोर करना होगा कि आप इसमें से किस एरिया में काम कर सकते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो दुनिया भर में नंबर ऑफ ई बुक सेलिंग का मार्केट बढ़ता ही जा रहा है। एज पर द करंट स्टैट्स आप देख सकते हैं रफली 15 बिलियन से ज्यादा डॉलर्स का सेल सिर्फ और सिर्फ ई बुक्स में हो रहा है, और सबसे ज्यादा ई बुक सेल की जाती है अमेज़न पे। अगर अमेज़न किंडल पे आप जाकर के देखें तो यहां पर आपको हजारों बुक्स दिखाई देगी और उनके नंबर ऑफ रिव्यूज, दैट मींस कि उनके लाखों में सेल हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक बिगिनर के लिए वो है कि कभी भी उसको कोई ई बुक बेचनी होगी और जब वो अमेज़न पे लिस्टिंग करता है तो या तो उस पर सेल्स आती है या फिर नहीं आती है, और जो आप कमीशन जनरेट करते हैं उसका भी सर्टेन परसेंटेज अमेज़न के पास में चला जाता है, तो राउंड टू राउंड आपके एफर्ट्स का आपको रिटर्न नहीं मिल पाता है। इससे सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी ई बुक को सेल करने का, अगर आप ब्लॉगर हैं तो आप आपकी ब्लॉग की वेबसाइट पे सेल कर सकते हैं, अगर आपका खुद का ऑनलाइन बिजनेस है तो आप वहां पे भी इसको सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर आप स्टूडेंट हैं तो किस टाइप की ईबुक सेल करें, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल है तो किस टाइप की ईबुक को सेल करें, अगर आप ऑलरेडी एक हाउसवाइफ है तो आप किस टाइप की ईबुक को सेल करें। ऐसे ही 7 से ज्यादा पॉइंटर्स को इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूं, जहां पर हम बात करेंगे एग्जैक्टली किस टाइप की ईबुक आपको सेल करनी है, कैसे ईबुक को डिजाइन करना है, कैसे एक वेबसाइट को सेटअप करना है, कैसे उस पर ऑनलाइन ईबुक सेलिंग का एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, इसके बाद में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उस ईबुक को प्रमोट करके ट्रैफिक ला करके पैसा कैसे कमाना है। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूं, सो मेक श्योर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो अगर आप ऑनलाइन मनी मेकिंग करना चाहते हैं यूजिंग अ वेबसाइट तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपको बहुत सारे ऐसे डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियोस लेके आने वाला हूं। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्ति श्वास और इस चैनल पे ऐसे ही एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब और ब्लॉगिंग से रिलेटेड हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करते हैं। सिर्फ एक मिनिमम फीस है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एग्जिस्टिंग है तो लाइक कर दो। बिना किसी फर्दर डिले के चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हैं ये 7 हम पॉइंटर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा एक ईबुक को कैसे सेटअप किया जाता है। सबसे पहला ईबुक का आइडिया। देखिए, मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स क्या ट्राई करते हैं कि वो जाते हैं अमेज़न पे, देखते हैं कोई बंदा किसी ने इस टाइप की ईबुक को डिजाइन किया, मैं भी ऐसी कुछ डिजाइन करके उसको सेल कर दूंगा। बट दैट्स ऑल टुगेदर रॉन्ग स्ट्रेटजी। उसका रीजन है, मान लीजिए कि आप एक ब्लॉगर हो तो आप किस टाइप के ईबुक आइडियाज को निकालोगे। तो ब्लॉगिंग में बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप हमारे सुप्रीम कैंपस के मॉड्यूल्स को देखते हैं तो एक ब्लॉगर को क्या क्या स्किल्स आती हैं, जैसे आपको कीवर्ड रिसर्च करना आता है, आपको एसईओ करना आता है, आपको साइट पे ट्रैफिक कैसे लाए ये समझ में आता है, आपको नीच कैसे क्लैरिफाई करें ये सारी चीजें समझ में आती है, राइट। तो उस केस के अंदर एक ब्लॉगर के पास ये सारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, और आपको ये देखना होता है कि एग्जैक्टली आप इसमें से कौन सी स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर मुझे कोई ईबुक सेल करनी है तो मुझे पता है कि लोगों को नीचे इसके बारे में फिगर आउट करना है, लोग चाहते हैं कि हम उनके साथ कोई नीचे शेयर की जाए जिस पे वो ब्लॉग को स्टार्ट करें। तो मैं एक ईबुक बना सकता हूं जहां पर मैं डिटेल में बताऊं कि भाई ये 500 और 200 1000 और 100 नीशेज हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं। आप एक हाउसवाइफ है, अगर आपको और कुछ नहीं आता है तो आप कुछ बेसिक चीजें तो डेफिनेटली जानते हैं, जैसे कि आर्ट्स और क्राफ्ट्स। कुछ लोगों को आर्ट्स और क्राफ्ट्स में इंटरेस्टेड है, कुछ लोगों को पेरेंटिंग का अच्छा खासा नॉलेज है, कुछ लोगों को रेसिपी पे अच्छा खासा नॉलेज है, तो आप अपना ईबुक का आइडियाज इन्हीं टॉपिक से निकालें। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अल्टीमेटली उस केस के अंदर आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपके पास लोगों को इंटरव्यू लेने का, इंटरव्यू देने का, कैसे प्रोजेक्ट सिस्टम्स वर्क करते हैं, कौन से स्किल पे काम करना चाहिए, आप उस पे एक ईबुक डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से आप कॉलेज में इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किस टाइप से आप एज अ करियर बिल्डअप कर सकते हैं इन अ सर्टेन एरिया, किसी भी तरीके से आप करियर ओरिएंटेड जिस जर्नी को आप गो थ्रू कर रहे हैं, जो भी आपकी लर्निंग है या फिर जो ऑनबोर्ड होने वाले हैं नए लोगों के लिए, आप ईबुक डिजाइन कर सकते हैं। तो पॉइंट हियर इज कि आप जिस किसी भी एरिया में हैं,
उस पर्टिकुलर एरिया में जाकर के आपको एक्सप्लोर करना होगा कि आप इसमें से किस एरिया में काम कर सकते हैं। इवन तो अगर आपको नहीं पता, तो मैंने बताया था ब्लॉगिंग, अगर आप सिर्फ ब्लॉगिंग करते हो तो 18 से ज्यादा मोनेटाइजेशन के टेक्निक एक्सप्लेन की थी, इस पर मैंने ई बुक पे भी डिटेल में फोकस किया था। तो अगर आप चाहते हैं कि ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्च पैड को ज्वाइन करना, तो आप डेफिनेटली हमारे सुप्रीम कैंपस के ऑफिशियल साइट पर आके ब्लॉगिंग एफिलिएट और यूट्यूब के ऑल कोर्सेज को 999 में परचेस कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और फ्री के भी कोर्सेज है जिसको एनरोल कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर वन, जो कि हमने डिस्कस किया कि आपको आपका ई बुक आइडियाज निकालना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ दिस चैनल के व्यूअर्स ब्लॉगर हैं, तो मैं इमेजिन करता हूं कि आपको ऐसे एरिया में रिलेटेड करके मैं आपको ऑनलाइन स्टोर बनाना सिखाऊं जिस एरिया में आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे उठाया एक डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर मैंने डिज़ाइन की है ईबुक और जिसको नाम दिया है 2500 प्लस सुप्रीम नीश आइडियाज़, जो कि ऑलरेडी हम सुप्रीम कैंपस के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। तो ये एक मैंने ईबुक डिज़ाइन की। इमेजिन करो इस ईबुक को क्या किया, सिंपल सी ईबुक है। इस ईबुक में मैंने बताया कि भाई ये सारी 2500 से ज़्यादा नीशेज हैं, कैटेगरी वाइज एक्सप्लेन किया है, किसी को भी इंटरेस्ट है वो इस पर्टिकुलर नीश को पिक करके उस पर काम करना स्टार्ट कर सकता है। इमेजिन करो 2500 से ज़्यादा नीशेज को अगर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, कैन टू शेयर 49 rupees with me। बस आपको प्राइसिंग भी इसी तरीके से सेट करने के, आपको सबसे पहले ऐसे नीशेस पे फोकस करना है जिसमें आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो, फिर उसके अराउंड एक ईबुक को डिजाइन करना। तो यहां से आपको आइडिया आएगा कि आपको किस कैटेगरी में काम करना है। लेट्स गो टू द स्टेप नंबर टू, विच इज कि भाई ईबुक को डिजाइन कैसे करें। इसके लिए आपको कोई फैंसी टूल यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एक गूगल वर्ड डॉक को ओपन करना है, या फिर गूगल डॉक को ओपन करो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करो, उसमें टाइप करो, जैसे कि ये उसी में बनाया हुआ है। मैंने वर्ड डॉक के अंदर जाकर के इसको इस तरीके से डिजाइन किया। सिंपली हम जैसे डॉक्यूमेंट को क्राफ्ट करते हैं, समझ लीजिए कि वर्ड डॉक्यूमेंट है, इस पर मैंने पॉइंट बाय पॉइंटर्स लिखा है, उसकी कैटेगरीज बनाई है, सब कुछ जो भी हो सकता है मैंने इस तरीके से इसको डिजाइन कर दिया है। आइडिया क्या है, मैं आपके साथ 2500 से ज्यादा निशेष शेयर करूं। तो हर एक नीच, जैसे कि एक्ने एंड स्किन केयर की जो नीच है, उस पर्टिकुलर नीच को मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया ये क्या, और उसके अंदर सब कैटेगरीज क्या हो सकती है वो मैंने एक्सप्लेन किया। लाइकवाइज आपकी जिस किसी भी एरिया में एक्सपर्टीज है, आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, ऑनलाइन जाके देख सकते हैं लोग कैसे ई बुक डिजाइन करते हैं। ज़्यादा डेकोरेटिव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चीज़ों को डेकोरेट करने लग जाएंगे तो आप उसी में लॉस्ट हो जाएंगे। आपका पहला फोकस है कि आप लोगों तक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को पहुंचाए जिसके लिए उन्होंने पे किया है, एंड दैट इज द रीज़न हमारी प्राइसिंग 49.99 rupees के आसपास है, दैट इज़ गुड इनाफ। तो यहां पर इस तरीके से आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट में इसको क्रिएट करना है और उसको कन्वर्ट कर देना है एक पीडीएफ फॉर्मेट में, जैसे कि आपको नजर आ रहा है मैंने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता, आप सिंपली जाए गूगल डॉक में, ओके, अगर आप गूगल डॉक में जाते हैं, विच इज दिस टूल, जो कि फ्री आप सभी के पास है, आपको उसको साइन इन करना आपकी जीमेल आईडी के साथ में। यहां पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये वाला, तो यहां पर आके आपको सिंपली टाइटल लिखना है, इमेजेस ऐड करनी है, सब कुछ कर देना है, एंड देन अगर आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है पेज बाय पेजेस एंड एवरीथिंग, फाइल पे जाना है, आप यहां पर आकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए डाउनलोड एज इन पीडीएफ डॉक्यूमेंट, तो जैसे मैं इसको डाउनलोड करता हूं एज इन पीडीएफ डॉक्यूमेंट, तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरी पूरी की पूरी ईबुक एक पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड हो चुकी है। बस ये स्टेप फॉलो करना है, दैट स्टेप नंबर टू। आप कहीं पे भी हो, सिंपली आपको इसी तरीके से ईबुक को डिजाइन करना है। रिमेंबर एक और चीज, अगर आप आपकी ईबुक को अमेज़न पे भी सेल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उस केस के अंदर आपका यह वर्ड डॉक वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि अमेज़न किंडल के अंदर या फिर अमेज़न के अंदर जो आप ईबुक की लिस्टिंग करते हैं, इसका स्ट्रक्चर और फॉर्मेटिंग टोटली डिफरेंट होता है। इसलिए इस वीडियो का फोकस है कि आप ईबुक को अपनी साइट पे कैसे सेल करेंगे, अपने ब्लॉग पे कैसे सेट करेंगे, उसके लिए सिंपली आप गूगल डॉक और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे, दैट्स वेल एंड गुड इनफ। क्लियर? नाउ लेट्स गो टू द थर्ड पार्ट, व्हिच इज सेटिंग अप योर वेबसाइट। तो सबसे पहले दो चीजें होती है, एक आपकी वेबसाइट होती है और एक आपका स्टोर होता है। एग्जांपल के लिए ये सुप्रीम कैंपस जो आप देख रहे हो, ये क्या है, ये आइडियली देखा जाए तो मेरा एक तरीके का स्टोर है, लेकिन अगर आप मेरी वेबसाइट की बात करो, तो अगर आप ब्लॉगिंग ओएस पे जाओ तो ये है मेरा एक ब्लॉग, राइट? तो ये है मेरा एक ब्लॉग, और इस ब्लॉग पे मैंने सुप्रीम कैंपस के प्रीमियम कोर्सेज को अटैच करके रखा है, तो अगर आप जाएंगे तो ये डायरेक्टली आपको दूसरी जगह पे लेके जाएगा, तो ये एक तरीके का मेरा स्टोर है। तो आपको दो चीज़ें बनानी होती है, एक होगा आपका वेबसाइट जो कि आपको रिप्रेजेंट करो, उसी वेबसाइट में आप आपके स्टोर को ऐड कर सकते हो। तो स्टेप नंबर वन वो होगा आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन करना, और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस पे सेटअप करें। इसके लिए आपको यहाँ पे तीन चीज़ों की जरूरत है, एक वर्डप्रेस जो कि फ्री का टूल है, दूसरा होस्टिंग, और तीसरा डोमेन नेम। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने ऑलरेडी मेरी साइट को एक डिज़ाइन करके रखा है, जो कि आपके लिए एक एग्जांपल साइट बनाई है मैंने supremecampus.in के नाम से। रिमेंबर हमारा प्राइमरी साइट है supremecampus.com, लेकिन अभी के लिए मैंने एक डमी वेबसाइट बनाया है। मान लीजिए कि आपका ब्लॉग है, आपकी वेबसाइट है, कुछ भी है, आप इस पे आपका ऑनलाइन स्टोर सेटअप करेंगे ताकि लोग इसको परचेज कर सकें। अब वो करेंगे कैसे, इसके लिए सबसे पहले आपको साइट का सेटअप करना होगा। वेल, इस पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर आप ऑलरेडी ब्लॉगिंग करते हैं, अगर आपको ऑलरेडी वर्डप्रेस के बारे में पता है, तो आपको बेसिक सी वर्डप्रेस पे
एक साइट को बनाना है। इसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की जरूरत है। सबसे पहले आप शुरुआत कर सकते हैं होस्टिंग के साथ में। आप मेरे रिकमेंडेड होस्टिंग होस्टिंगर के साथ में आ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप जाएंगे स्क्रीन के जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यहाँ पर आपको एक प्रीमियम प्लान दिखाई देगा। आपको उसको चूज प्लान पर क्लिक करना है। ये शेयर्ड होस्टिंग है, यहाँ पर आप 100 से ज़्यादा अलग अलग वेबसाइट्स बना सकते हैं, तो आपको कुछ भी अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर 12 मंथ के प्लान के साथ में अगर आप चेकआउट विंडो पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक प्रोमो कोड दिखाई देगा, वो भी आप डाल सकते हैं। MR व्यास, आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक करके अगर आप इस पर्टिकुलर होस्टिंग को परचेस करते हैं, इसके बाद होस्टिंग पे जाके अपना सेटअप करते हैं, और अगर आपने मेरी लिंक को यूज करके होस्टिंग को परचेस किया, तो मेक श्योर bloggingwars.com पे गिफ्ट के सेक्शन में आकर के आप मेरे से $300 का बोनस क्लेम करें। इंस्टेंटली 5 मिनट में सारे बोनसेस आपको दिए जाएंगे। उसमें एक वर्डप्रेस की प्रीमियम थीम भी है, और इसी थीम की हेल्प से मैंने इस साइट को डिजाइन किया है। तो आपको दो वीडियोस पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि होस्टिंग और का परचेस से लेके उस पे साइट का सेटअप कैसे और उस पे इस थीम को कैसे कस्टमाइज करना, तो दोनों वीडियो आप देख ले। अगर आप टोटली बिगिनर हैं, अगर आप ऑलरेडी नॉन हैं, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, मेरे चैनल को रेगुलरली देखते हैं, तो शायद आपको ये स्टेप्स अलग से उस वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं है, बट मेक श्योर आप उन वीडियोस को देख लें। नाउ मान लीजिए कि हमारी साइट ऑलरेडी रेडी है। अब इस पर्टिकुलर साइट पे हम चाहते हैं कि ई कॉमर्स का स्टोर को बनाना, राइट? तो मैं इमेजिन करता हूं कि हमने होस्टिंग परचेस कर लिया, हमारा एक ब्रांड नेम रजिस्टर कर लिया, हमने वर्डप्रेस का पूरा सेटअप कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सेटअप ऑनलाइन स्टोर, और ये ही है क्रिटिकल पार्ट जहां से हम ई बुक को सेल करना चालू करेंगे, और आप में से बहुत सारे लोग इस एरिया में इंटरेस्टेड है। और इसके लिए गाइस हम जो टूल यूज करने वाले हैं उसका नाम है WooCommerce। तो WooCommerce है क्या? WooCommerce एक वर्डप्रेस का प्लगइन है, और इसको उसी कंपनी ने बनाया है जिसने wordpress.com पर बनाया है। तो wordpress.org उनका फ्री प्रोडक्ट है, wordpress.com उनका प्रीमियम प्रोडक्ट है। तो ये जितने भी है Jetpack, wordpress.com और WooCommerce, ये सब इसी कंपनी ने डिजाइन किया। आई बिलीव WooCommerce किसी और का था जो उन्होंने परचेस कर लिया। तो अगर आप देखते हैं तो इसकी हेल्प से आप जैसी भी चाहे वैसी एक ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, और ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, और उसके थ्रू प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें वर्डप्रेस के बैकएंड में जाना है। आपको वर्डप्रेस को लॉगिन कर देना, आपको WP एडमिन में जाना है। यहाँ पर प्लगइन में जाके एड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आना है, आपको टाइप करना है WooCommerce। तो जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एक फ्री का प्लगइन आपको दिखाई देगा, और इसी प्लगइन की हेल्प से हम ई बुक को डिजाइन करने वाले हैं। तो आपको नजर आ रहा है ये WooCommerce, आपको इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। और रिमेंबर ये हमारे पेमेंट के अदर गेटवेज है जिसको हम एंड में यूज करेंगे, तो मेक श्योर आप बने रहिए एंड तक। फिर इसको एक्टिवेट करेंगे। ओके, तो अभी आप देख पा रहे हैं जैसे हमने उसको इंस्टॉल और एक्टिवेट किया, आपको यहाँ पर एक WooCommerce का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि WooCommerce इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन अभी आपको सिर्फ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके साथ में आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, मार्केटिंग दिखाई दे रहा है, एनालिटिक्स दिखाई दे रहा है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे WooCommerce के हैं। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, इस लिंक को क्लिक करता हूँ, तो आप डायरेक्टली उस प्लगइन के सेटिंग के ऑप्शन पर पहुँच जाते हैं जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो आपको सबसे पहले सेटअप माई स्टोर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई मैं क्या हूँ। तो मैं आई एम जस्ट स्टार्टिंग अ बिजनेस। आप आपकी साइट का नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं आप बताऊँ कि भाई मैं यहाँ पे देता हूँ सुप्रीम कैंपस। आप आपकी इंडस्ट्री चूज कर सकते हैं, जैसे कि हम हैं यहाँ पर एक अदर के अंदर मैं चूज करता हूँ। अपनी कंट्री दे सकते हैं, इसके हिसाब से लोकल करेंसी डिसाइड होगी। तो यहाँ पर मैं इंडिया गुजरात दे देता हूँ, एंड देन गोज डाउन आपका ईमेल आईडी, और आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना। अगर आप ये क्लिक करेंगे तो ईमेल भी आता रहेंगे, तो अवॉइड करें। इसके बाद ये आपको कुछ अदर सजेस्टेड प्लगइन कहने को मतलब बोलता है, अगर आप चाहे तो इसको रख सकते हैं, अगर नहीं तो इट्स ओके, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको कंटिन्यू करें, ताकि आपको जो बेसिक और फीचर्स है वो भी बाय डिफॉल्ट मिल जाए, बाद में इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। बस जैसे आप ये प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, अभी WooCommerce का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। WooCommerce वही एरिया है जहां से हम हमारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे, प्रोडक्ट को बनाएंगे, प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट करेंगे, और यहीं से यूजर हमारे प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। तो लेट्स फिनिश इट अप। ओके, तो आप देख सकते हैं WooCommerce का ऑलरेडी एक फ्री का अकाउंट, अगर आप चाहे तो उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली बोलता हूँ कि भाई मेरे अकाउंट को कनेक्ट कर दो, या फिर नो थैंक्स। अगर आपका नहीं है तो आप इसको मतलब कनेक्ट नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके। सो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी अदर चीज़ें आपको मिल सकती है अगर आप कनेक्ट करते हैं, तो अभी के लिए हमने उसको नो कर दिया है। जैसे आप स्क्रीन पे आते हैं, यहाँ पर हमें होम पेज दिखाई देता है। अभी हमें ये 5 से ज़्यादा स्टेप्स को फॉलो करना है जिससे कि हमारा पूरा स्टोर रेडी हो जाएगा। जहाँ सबसे पहले हमें को स्टोर को कस्टमाइज़ करना है, डिज़ाइन करना है। दूसरा, उसमें प्रोडक्ट को ऐड करना है। तीसरा, जो पेमेंट के सिस्टम्स है उसको इंटीग्रेट करना है। अगर आपका टैक्सेशन, अगर आप टैक्स कलेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हैं। और ग्रो बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग पार्ट। तो लेफ्ट में देखेंगे आपको WooCommerce दिख रहा है, प्रोडक्ट दिख रहा है, एनालिटिक्स दिख रहा है, मार्केटिंग दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम कस्टमाइज योर स्टोर पे जाएंगे। तो आपको एक चीज़ नजर आएगी, जैसे अगर आप आपकी साइट में WooCommerce को इंस्टॉल करते हैं, तो अभी आपकी साइट दो तरीके से खुलेगी। ओके, तो लेट्स गो बैक एंड आई विल शो यू। तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको दिख रहा है, एक है विजिट साइट जो हमारी प्राइमरी साइट थी, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है किस तरीके से हमारी साइट
दिख रही है, और दूसरा आपको दिखाई देगा यहाँ पे विजिट स्टोर, जो कि WooCommerce की वजह से आ रहा है। तो फ्यूचर में आपको शॉप के नाम से इसने कैटेगरी डिज़ाइन कर दी है, और यही वो कैटेगरी है जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट लिस्ट आउट होंगे, और एक तरीके से आप इसी को फ्यूचर में प्रमोट करें अगर आपको प्रोडक्ट को प्रमोट करना हो। रिमेंबर, ये कैटेगरी बनी है, ना कि अलग से डोमेन। तो आप ही की वेबसाइट में अगर आप इसको हटा देते हैं तो आपको पता लगेगा कि आप आपकी होम साइट पे आ जाते हैं, राइट? कुछ ऐसा। तो कुछ इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया। अगर आपकी होम साइट पे आपके स्टोर को ऐड करना है, दैट इज स्टेप नंबर वन। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जाना होगा अपीयरेंस में। यहाँ पर आएगा आपको मेन्यू का ऑप्शन, आपको मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और वो जो शॉप की कैटेगरी ऐड हुई है हम उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके लिए आपको व्यू ऑल पे आना है, और आपको नजर आएगा यहाँ पर शॉप का पेज, आपको इसको ऐड टू मेन्यू में ऐड करना है। तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर ये ऐड हो चुका है, अगर आप चाहें तो इसको एंड में रख सकते हैं, सेव मेन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, अभी ये हमारी जो प्राइमरी वेबसाइट थी जहाँ पर शॉप का मेन्यू नहीं था, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर शॉप का एक मेन्यू क्रिएट हो गया, और ये वही मेन्यू है जिसको अगर कोई क्लिक करेगा तो वो आपकी ई बुक सेलिंग स्टोर साइट पर चला जाएगा। तो ये पहला स्टेप है, आपको आपके शॉप के आइकन को ऐड करना है। वेल, इसका अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इसके आगे रखना है आप आगे रखें, सेव मेन्यू पर क्लिक करें, तो अल्टीमेटली यही मेन्यू शॉप मेन्यू आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जो कि आपने मोस्टली एप्पल की साइट पे जाकर अगर आप देखते हैं, मान लीजिए कि एप्पल की साइट है apple.co.uk, और इस साइट में अगर आप जाके देखते हैं तो यहाँ पे तो उसके प्रोडक्ट का ओवरव्यू है, लेकिन जैसे आप किसी प्रोडक्ट को परचेस करने की ट्राई करते हैं, टेक एन एग्जांपल ऑफ मैकबुक एयर, तो आपको नजर आएगा कि आप मैकबुक एयर की ऑफिशियल साइट पे, लेकिन जैसे मैं बाय पे क्लिक करता हूँ आपको नजर आएगा मैं शॉप की कैटेगरी में चला गया। तो ये उनकी दुकान है एप्पल की, राइट, जहाँ पर प्रोडक्ट्स को एक्चुअली में बाय कर सकते हैं, लेकिन वो उनके बिजनेस साइट है जहाँ पर प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, अभी आपको नजर आ रहा है शॉप का ऑप्शन, क्लियर? और शॉप से अगर आपको साइट पे जाना है, कोई बंदा आपके होम पे क्लिक करेगा तो आपकी साइट पे चला जाएगा, क्लियर? तो दैट्स हाउ यू विल कस्टमाइज द मेन्यू, क्लियर? लेट्स गो नेक्स्ट स्टेप, विच इज़ कि अभी शॉप के अंदर हमें प्रोडक्ट को ऐड करना है, हमारी ई बुक को ऐड करना है जिसको हमें सेल करना है। अभी हम कैसे करेंगे, इसके लिए अगर आप WooCommerce में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन दिखाई देगा, विच इज़ अगर आप WooCommerce में जाएंगे तो प्रोडक्ट, तो यहां पर आकर के आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना, और अब हम हमारा वो ईबुक का प्रोडक्ट हमारी साइट पे ऐड करेंगे। ये क्या है, तो यहां पे मैं डाल देता हूं, प्रोडक्ट का नाम है 2500 प्लस निशेष, तो यहां पर आएंगे हम, एंड देन वी विल टाइप हियर 2500 प्लस निशेष एंड देन ईबुक, तो ये हमारे प्रोडक्ट का नाम है। एंड देन अगर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, ये होस्टिंगर की वजह से आ रहा है, इसकी हमें नीड नहीं है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट का हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट है क्या। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ, लेकिन आप चाहे तो आप बेटर डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, जो भी है यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको सबसे दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, पहला क्या ये प्रोडक्ट वर्चुअल है या फिर डाउनलोडेबल है। तो अगर मैं डाउनलोडेबल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक यूज़र को लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके वो डाउनलोड कर सकता है। अगर ये वर्चुअल है, मान लीजिए कि आपका एक कोई ऑनलाइन कोर्स है जिसको आप बेचना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली ऑनलाइन कोर्स तो अगर आपने वर्डप्रेस में सेट नहीं किया है, जबकि टीचेबल, थिंकपिक ऐसा थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे किया है, तो वर्चुअल में इनको ऑप्शन आएगा कि भाई आप पे कर दो, और पे करने के बाद में आप यहाँ पे ट्रिगर सेट कर सकते हो कि भाई ये प्रोडक्ट मिलेगा कैसे, तो आप उनको अलग से लिंक भेज रहे हो, जो भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। बट हमारे लिए तो डाउनलोडेबल है, तो ई बुक की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डाउनलोडेबल पर क्लिक किया। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज को कैसे सेल करना, कमेंट करके बताएं, मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो यहां पर आ गया डाउनलोडेबल, अभी हम हमारी प्राइस को रख सकते हैं। तो इमेजिन करो, इसकी ओरिजिनल प्राइस थी जो कि 99 थी, और हम सेल प्राइस रख रहे हैं 49 रुपीज, और यहां पर आपको करेंसी दिख रही है, दैट इज इन रुपी। क्यों? क्योंकि जब सेटअप किया था स्टोर तो हमने कंट्री सेलेक्ट किया था इंडिया, तो बाय डिफॉल्ट रुपीज लिया, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में करेंसी चेंज करना है तो आप यहां पर सेटिंग में आके चेंज कर सकते हैं, WooCommerce की सेटिंग में, जो कि करेंसी चेंज होता है, वहां कंट्री चेंज करना होगा तो आपका चेंज हो जाएगा, राइट? तो अभी हमने क्या किया कि प्राइस रखा 99, उसको कट करके 49 सेल पे दे रहे हैं। इसके बाद डाउनलोड लिमिट हम बताएंगे कि एक बंदा एक ही बार डाउनलोड कर पाएगा, एंड एक्सपायरी नहीं, कोई एक्सपायरी नहीं है, जो भी जब चाहे जब तक इसको परचेज कर सकता है। अभी वो फाइल कौन सी है जो आपको एज अ सेल की तरह यहाँ पर देने, जब भी कोई परचेस करेगा तो उसको डाउनलोडेबल लिंक जाना चाहिए, राइट? तो फाइल आप ऐड कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ऐड फाइल पे क्लिक करता हूँ, और फाइल का नाम दे देता हूँ भाई निशेष ई बुक। और ये ईबुक है क्या वहाँ पे? तो ईबुक आपकी गूगल ड्राइव में हो सकती है या फिर कहीं पे भी, लेकिन सबसे सेफेस्ट तरीका है अगर आप यहाँ पर जाएं, यहाँ पर आके मीडिया में आ जाए, और मीडिया में आके हमारी फाइल को यहाँ पर ही अपलोड कर दे। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, तो इस पर्टिकुलर थीम के अंदर ऑलरेडी इमेजेस है, सब कुछ है, राइट? यहाँ पे अलग अलग फाइल्स है, तो आपको ऐड न्यू मीडिया फाइल पर क्लिक करके सेलेक्ट फाइल पर जाना है, और जो भी ईबुक हम सेल कर रहे हैं या फिर जो सेल करने वाले हैं उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे, जिससे कि
वो ई बुक वहीं पे रहेगी, आपको कुछ अलग से गूगल ड्राइव का लिंक देने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लीजिए ये ई बुक है, मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, तो जैसे आप इस ई बुक को अपलोड करते हैं तो इस ई बुक का एक स्पेशल लिंक बन जाता है और वही स्पेशल लिंक हमें वहाँ पर पेस्ट कर देना है कि भाई कोई भी इसको परचेस करेगा तो ये ई बुक जो गूगल ड्राइव में है या फिर आपके थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म में या फिर वर्डप्रेस के इनसाइट में वो उस यूज़र को डिलीवर्ड हो जाए। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है हमारी ई बुक यहाँ पर डाउनलोड हो रही है, इसको मैं कॉपी करूँगा तो ये एक स्पेशल लिंक है जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है, कॉपी URL, ये वाली लिंक को आपको कॉपी करना है, देन गो बैक और यहाँ पर जो प्रोडक्ट के अंदर लिंक है वहाँ पर पेस्ट कर देना है। ओके, तो ये एक तरीका है, या फिर आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो वापस से आपको ड्राइव में लिखा आएगा, तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हमने फाइल को सेलेक्ट किया, इसके बाद सिंपली सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करना ताकि ये सेव्ड रहे। तो बस इतना काम हमको करना है। इसके बाद आप चाहे तो इन्वेंट्री, ये अलग अलग ऑप्शंस में आ सकते हैं, इन्वेंट्री हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है तो आप डाल सकते हैं कि भाई इन्वेंट्री में हमारे पास कोई लिमिटेशंस नहीं, अनलिमिटेड है, लीव इट एज इट इज़। शिपिंग के अंदर अगर आप ये प्रोडक्ट तो शिप नहीं कर रहे, वर्चुअल प्रोडक्ट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लिंक्ड प्रोडक्ट, अगर इसी प्रोडक्ट के साथ आप अदर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो आपको वो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है, हमारे पास नहीं है। एंड देन एडवांस के अंदर अगर आप अलग अलग से ऑप्शन चूज करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन बेसिक एक ई बुक के लिए आपको जनरल में आना है, ये सारा सेटअप करना है, इट्स ऑल डन। अभी हमें राइट हैंड साइड में आना है, अभी इसी ई बुक का एक फीचर इमेज ऐड करना है, प्रोडक्ट इमेज ऐड करना। तो आप सेलेक्ट प्रोडक्ट पर आए और यहाँ पर आकर के अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप अपलोड कर दे, अदरवाइज मैं एक छोटा सा इमेज यहाँ पर अपलोड करता हूँ, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे इस प्रोडक्ट के लिए मैं एक बैनर इमेज अपलोड कर देता हूँ। चलिए एग्जांपल के लिए मैं ये वाली इमेज पिक कर लेता हूँ। आप ऐसी इमेज बना सकते हैं जो ई बुक टाइप की दिखे या फिर ई बुक के बॉक्सेस टाइप के दिखे, तो ये इमेज हमारी दिखाई देगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ में, ताकि लोगों को पता रहे कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट है क्या, राइट। तो मैं इसको फटाफट से अपलोड करता हूँ, देन आप यहाँ पर अल्ट टेक्स्ट दिखाई देंगे, यहाँ पर कीवर्ड एसईओ के लिए आप लिख सकते हैं, यहाँ पर डाल दें नीश ईबुक, ताकि गूगल में भी ये रैंक करेगा इमेज सर्च के अंदर। और सेट प्रोडक्ट इमेज, जैसे हमने सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक किया, अगर मैं सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करता हूँ, विच मीन्स कि अभी हमारा प्रोडक्ट ड्राफ्ट में सेव्ड है। अगर आप चाहें तो इसको प्रीव्यू करके देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं प्रीव्यू पे जाता हूँ तो यू विल फिगर आउट कि हमें यह कैसा दिखाई देगा। जैसे मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला प्रोडक्ट है जो कुछ ऐसा दिखाई देगा जब लाइव जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे प्रोडक्ट का इमेज है, यहाँ पर हमने प्राइसिंग जो कि 99 को रिड्यूस किया है, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, रिव्यूज एंड एवरीथिंग। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट हमारे स्टोर में दिखाई देंगे, राइट। सिमिलरली मैं एक और प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे जाऊँगा, राइट, और इसको पब्लिश कर देता है। पहले वाले प्रोडक्ट को हमने पब्लिश किया, दैट मीन्स कि अब ये लाइव हो जाएगा, पहले वो प्रीव्यू में था तो इसको हमने पब्लिश कर दिया। नाउ इफ यू वांट टू ऐड मोर प्रोडक्ट, ईबुक की बजाय कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है तो यहाँ पर डाल देता हूँ मैं फ्री वर्डप्रेस कोर्स, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा एंड देन आफ्टर हमारा जो फ्री का वर्डप्रेस का एक कोर्स है उसकी भी डिटेल अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आपको बैक में जाना है और अगर मैं चाहूँ यहाँ पे फ्री का हमारा जो वर्डप्रेस का कोर्स है उसका डिटेल अगर मैं डालना चाहूँ तो यही है वो वर्डप्रेस का कोर्स। तो आइडियली हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली इसको भी मैं यहाँ पर एज इन सेकंड प्रोडक्ट फ्री वर्डप्रेस कोर्स, ठीक है, इसको मैं डाल देता हूँ। देन इसको भी मैं बोलता हूँ कि भाई ये वर्चुअल है, इसका प्राइस जो भी था पहले 1999 था, अभी मैं स्कोर दे देता हूँ 999 और मैं कुछ और नहीं करूँगा, डाउनलोडेबल नहीं है, ये वर्चुअल है, दैट मीन्स कि हम इसको डाउनलोडेबल नहीं दे रहे, लोगों को कहीं पे एक्सेस और देंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको ऐड कर दिया और इसका भी ऐड प्रोडक्ट गैलरी या फिर सेट प्रोडक्ट इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास वही ऑप्शंस आएंगे कि आप इसके साथ कोई भी इमेज ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर वर्डप्रेस प्री मास्टरी को मैं ऐड करके इसको भी यहाँ पर अपडेट करता हूँ। तो ऐसे हमने दो प्रोडक्ट ऐड किए लेकिन हमारा प्राइमरी रहेगा वो ईबुक। तो ईबुक के साथ में अगर आप दूसरा प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो रिमेंबर वहाँ पर जो अपसेल और डाउनसेल जो आया था वहाँ पर आ जा करके आप इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि जब भी कोई बंदा उसको परचेस करेगा तो सेकंड में उसको इसका ऑप्शन भी आएगा अगर आप कुछ ऐसा मल्टीपल प्रोडक्ट को एक साथ सेल करना चाहते हो। ओके, तो जैसे ही इमेज अपलोड होता है लेट्स सेलेक्ट प्रोडक्ट इमेज एंड देन इसको हम यहां पे अपडेट कर देंगे। अभी जैसे हमने इस प्रोडक्ट को, दोनों प्रोडक्ट को लाइव किया, अभी हम अगर ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा स्टोर है, अभी मैं शॉप पे जाऊं, आपको नजर आ रहा है अभी हमारी पर्टिकुलर शॉप की कैटेगरी में दोनों प्रोडक्ट दिख रहे हैं और दोनों पे सेल चल रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमने एक ईबुक को डिज़ाइन किया, इसको डिज़ाइन किया, अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ईबुक का सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। अभी आप ऐड टू कार्ट पे जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि आपका प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो चुका है, विच इज़ लुक लाइक दिस। अगर कोई चाहे तो व्यू कार्ट पे जाके देख सकता है कि उसका प्रोडक्ट किस तरीके से यहाँ पर वो कार्ट में परचेज कर सकता है। आपको नजर आ रहा है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोसीड टू चेकआउट का ऑप्शन है, फ्री शिपिंग का है, कोई भी शिपिंग की जरूरत नहीं है, इसका प्राइसिंग ये सब कुछ है। अगर आप प्रोसीड टू चेकआउट पे जाएंगे तो ये यूजर से बेसिक डिटेल मांगेगा, तो एग्जाम्पल क्लोक सा ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पर दे रहा है, फ्री शिपिंग का ऑप्शन दे रहा है और सिंपली यहाँ पर आकर के यूजर कोई भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो ऑर्डर प्लेस करने के लिए जाएगा उसको और भी अदर डिटेल मांगी जाएगी, जैसे
कि पेमेंट का इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें अभी तक हुई नहीं है, बट अल्टीमेटली जैसे ही यूज़र यहाँ पे डिटेल देगा तो देर इज़ अ ऑप्शन कि भाई उसको ऑर्डर को प्लेस करो। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम भर देता हूँ या कुछ भी, ओके इसके बाद कुछ भी डाल देता हूँ मैं, ओके तो जैसे मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, ये हमें एक चेकआउट विंडो पे जाएगा जहाँ पर हमें आइडियली पेमेंट ऑप्शन को इंटीग्रेट करना ज़रूरी है। तो आपको नज़र आ रहा है पेमेंट लेने के लिए पेमेंट इंटीग्रेशन का होना ज़रूरी है, लेकिन ये सारा बेसिक सा फॉर्म रेडी है, राइट। फ्री शिपिंग इन सब चीज़ों की ज़रूरत है नहीं है। अगर आप जाए तो यहाँ पर WooCommerce में जा करके यहाँ पर ऐड न्यू या फिर ऑल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में जा सकते हैं। तो हमारे जो जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो जो भी हमने डिज़ाइन किया है, जैसे कि यहाँ पर ईबुक है, तो आप ईबुक पे चले जाए और ईबुक को और फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे एडिट पे मैं जाता हूँ, ओके, तो एग्जांपल के लिए जब हम पर्टिकुलर ईबुक को ओपन करते हैं प्रोडक्ट की सेटिंग में, तो यहीं पर आपको एट्रीब्यूट का ऑप्शन आता है और यहीं पर आप बहुत सारी चीज़ें सेल कर शेयर कर सकते हैं, जैसे शिपिंग हो गया। सिमिलरली एडवांस में अगर आप इनेबल रिव्यूज़ पे क्लिक करते हैं नहीं करते हैं, उसके हिसाब से ये जो ऑप्शन आपको जो प्रोडक्ट के पेज पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो वहाँ पे दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, ये जो रिव्यूज़ का ऑप्शन आ रहा है, आपके प्रोडक्ट पे किसी ने रिव्यू दिए हैं नहीं दिए, तो वो आप देख सकते हैं नहीं देख सकते, प्रोडक्ट में यूज़र को दिखाना है नहीं दिखाना है, ये सारा सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी आपको दिखाई देंगे। पिंटरेस्ट, अगर ये ऑप्शन आपको दिखाना तो दिखाओ, अदरवाइज आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये सारी सेटिंग्स तो होगी, लेकिन एक चीज़ है जो आपने नोटिस की होगी कि जब हम पर्टिकुलर साइट पे जाते हैं, हमारे इस प्रोडक्ट पेज पे जाते हैं, ओके, तो एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने दोनों प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया, लेकिन अभी भी इस पेज पे कुछ अनरिलेटेड या फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको हम हाइड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं शॉप की कैटेगरी में जाता हूं, तो यहां पे दोनों प्रोडक्ट्स है, लेकिन राइट एंड साइड में हमें साइड बार दिख रहा है, इवन दो इन दोनों प्रोडक्ट्स को कोई भी जाके परचेस कर सकता है, बट इन डिस्ट्रैक्शंस को हम हटा सकते हैं। और वो कैसे, क्योंकि हमेशा जब भी आप WooCommerce को इंस्टॉल करते हो तो आपकी साइट पे शॉप के नाम से एक पेज क्रिएट होता है, राइट। तो हम उस पेज को एक्सेस करेंगे, और कैसे एक्सेस करेंगे, सिंपली आपको ऑल पेजेस पे जाना है। यहाँ पर बहुत सारे पेजेस आपको दिखाई देंगे, इसी में से आपको शॉप के नाम से एक पेज दिखाई देगा, तो ये पेज को आपको एडिट पे जाना है। अगर आपने जनरेट प्रेस की थीम को यूज़ किया है, उसी थीम को इंस्टॉल किया है, तो आई बिलीव कि इस टाइप का पेज आपकी साइट पे ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, और जनरेट प्रेस आपको और भी अदर ऑप्शंस दिखाई देगा। कैसे, एग्जांपल के लिए अगर आप यहाँ पर जाते हैं, अपीयरेंस में जाते हैं, यहाँ पर आपको एक जनरेट प्रेस का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपने बोनस मुझसे क्लेम किया तो मैंने आपको एक प्रीमियम एक्सटेंशन भेजा, उस एक्सटेंशन से आप ये सारे फीचर्स को एक्टिवेट कर दें, ओके, उसको एज अ प्लगइन अपलोड करके इसको एक्टिवेट कर दें। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे ओपन साइट लाइब्रेरी में जाके एक अलग से थीम, जो कि आपके ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर के लिए सही है, वैसे थीम आप यहाँ पर आकर के भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ई कॉमर्स पे जाता हूँ, मुझे किस टाइप की थीम चाहिए, टेक एन एग्जांपल ऐसी थीम चाहिए, तो मैं इसको जा करके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा, एंड देन आफ्टर आपको नज़र आएगा कि ये थीम में हम थीम ऑप्शंस को ले रहे हैं, डेमो कंटेंट को नहीं ले रहे, अंडरस्टैंड करके आपको बिगिन इंपोर्ट पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके का लुक अपनी साइट का बन जाएगा अगर आप चाहते हैं कि ई कॉमर्स स्पेसिफिक थीम आपकी साइट पर यूज़ करना। एग्जांपल के लिए आप, मैं व्यू साइट पर जाके क्लिक करके देखता हूँ, आपको नज़र आएगा ये हमारी साइट जो पहले कुछ और थी वो ऐसे दिखने लगी है, लेकिन अगर आप शॉप की कैटेगरी में जाते हैं तो अभी जो प्रोडक्ट जो पहले कुछ और दिखाई देते थे वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहे। तो अगर आप चाहें तो इसकी इनबिल्ट थीम को यूज़ कर सकते हैं नाउ, विच इज़ क्लोजली सिमिलर ओनली, क्योंकि ऑलरेडी हम वैसे थीम यूज़ कर रहे थे। बट नाउ ऑन द राइट एंड साइड अगर इसको डिसेबल करना है, आपको शॉप के पेज पे जाना है, तो ये वाले पेज पे जाने के लिए आपको सिंपली आना है एडिट पेज पे। यहाँ पर आके आप हाइड कर सकते हैं बहुत सारी डिटेल, जैसे कि लेआउट के अंदर साइड बार में हमें कोई भी साइड बार नहीं चाहिए, फुटर विजिट में इट्स ओके अगर एक डिफॉल्ट रहे, लेकिन फुल लेंथ जो कंटेनर के लेंथ है उसको फुल रखें। लेकिन आपको नज़र आ रहा है टॉप बार आपको रखना है, यस कर सकते हैं, हेडर रखना है रख कर सकते हैं, प्राइमरी नेविगेशन जो मेन्यूज होते हैं वो रखना आप रख सकते हो, सेकेंडरी नेविगेशन की जरूरत है नहीं इसको डिसेबल कर सकते हो, फीचर इमेज रख सकते हो, कंटेंट टाइटल को भी डिसेबल कर सकते हो, ये सारी चीज़ों को आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे आप इसको अपडेट करते हैं आपको यहाँ पे स्लाइट चेंजेस देखने को मिलेगा बेस्ड ऑन दिस सिलेक्शन। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है वो वाला मेन्यू पार्ट हट चुका है, राइट एंड साइड बार के जितने भी ऑप्शंस थे जो आपको दिखाई दे रहे थे वो भी यहाँ पे हट गए हैं, अब ये प्योर लुक लाइक एज अ शॉप ही है। लेकिन अगर आप होम पेज पे जाते हैं तो आपकी साइट कुछ ऐसी दिखाई दे रही है जो कि थी ऑलरेडी, लेकिन अगर आप शॉप के सेक्शन में जाते हैं तो आपको ये साइड बार सारे मेन्यूज हट चुके हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड टू कार्ट का, लोग यहाँ पर आके आपके प्रोडक्ट को देख सकते हैं, इवन फीचर इमेजेस अगर ऑलरेडी अगर आपने डिसेबल नहीं किया तो आपके फीचर इमेज भी दिखाई देगी। एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ऑलरेडी फीचर इमेज हमारी इस प्रोडक्ट की है, विच इज़ व्हाट आई विल अपडेट हियर।
नाउ लेट्स गो बैक एंड अगर आप चाहे तो एक एक पेज को, जैसे अभी हम चेकआउट के पेज पे जहाँ पे फीचर इमेज नहीं दिख रहा है, जहाँ पे दिख रहा है लेकिन वहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो उसका रीज़न हो सकता है कि ये जो चेकआउट का पेज है, कॉन्टैक्ट अस का पेज है, कार्ट का पेज है, आप कार्ट के पेज पे चले जाएँ, इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या साइड बार में दिखना चाहिए, क्या नहीं दिखना चाहिए, हर एक पेज के लिए आप यहाँ पर आके कस्टमाइज़ कर सकते हैं क्या क्या दिखना चाहिए, क्या क्या नहीं दिखना चाहिए। बट अभी के लिए आपने जैसे कि देखा कि हमने वहाँ पर क्या किया कि अभी हमें इसको ऐड टू कार्ट पर क्लिक करता हूँ, आपको नज़र आ रहा है व्यू कार्ट में हमारे दोनों प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं जो कि कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। नाउ इमेजिन करो कि इस पर भी आप कुछ डिस्काउंट देना चाहते हो, जैसे कि ₹50 का ऑलरेडी डिस्काउंट है, लोग चाहे तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट देना चाहते हो तो आप कूपन भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। कैसे? अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ सिंपली हमारे वर्डप्रेस के बैकएंड के अंदर, विच इज़ दिस वन, ओके, तो WooCommerce में एक ऑप्शन और क्रिएट होता है कॉल कूपन। तो अगर मैं WooCommerce में जाऊँ, यहाँ पर प्रोडक्ट एनालिटिक्स और मार्केटिंग के अंदर जाऊँ, तो यहाँ पे कूपन्स आपको दिखाई देगा। आपको कूपन्स पे क्लिक करना है और हर एक प्रोडक्ट के लिए आप कूपन क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए वो ईबुक 49 में सेल हो रही है, मैं यहाँ पे एक प्रोमो कोड बना सकता हूँ जैसे MR व्यास, और यहाँ पे मैं फिक्स कार्ड डिस्काउंट दे सकता हूँ रफली ₹20, और मैं यहाँ पे कूपन की एक्सपायरी दे सकता हूँ कि भाई ये कूपन इस डेट को एक्सपायर्ड होगा, और किस वाले प्रोडक्ट को मैं देना चाहता हूँ तो यहाँ पर आकर के आपको सेलेक्ट करना होगा। कुछ दो तीन वर्ड लिखने होंगे जो भी आपकी ईबुक से रिलेटेड है, आपकी ईबुक यहाँ पे दिख रही है, ये वाला प्रोडक्ट, और मैं इसको पब्लिश करता हूँ। तो ये कूपन कोड अगर कोई चेकआउट विंडो पे यूज़ करेगा, एग्जांपल के लिए फिर से मैं चेकआउट पे जाऊंगा जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। अभी के लिए इसकी प्राइस है 49, हमने ₹20 का उस पर डिस्काउंट सेट किया, तो आप ऐड कूपन पे आकर अगर इसको इंसर्ट करेंगे, कूपन सही से इंसर्टेड है तो आपको नज़र आएगा इस पर ₹20 का डिस्काउंट अभी। ओके, कूपन की जो डेट है, एक्सपायरी डेट हमने 24 डाल दी है, तो लेट्स मेक इट लिटिल बिट अहेड ऑफ दिस। ओके, तो जैसे इस पेज पे आऊँगा मैं, अगर हमने कूपन कोड को सही एक्सपायरी डेट के साथ सेट किया है, तो मैं यहाँ पर आके एंटर करूँगा, अप्लाई करूँगा, तो आपको नज़र आएगा ₹20 इसमें डिडक्शन हो जाएगा और फाइनल प्राइस आ गई है 29। लेकिन अभी भी प्रोसीड टू चेकआउट के ऑप्शन के बाद पेमेंट इंटीग्रेटेड नहीं है, तो हमें पेमेंट विंडो को इंटीग्रेट करना होगा तभी कोई हमें पे कर पाएगा। और ये कैसा पॉसिबल है, तो WooCommerce में ही आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे जाते हैं सेटिंग में, सेटिंग में आपको अलग अलग बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उसी में एक आएगा आपको पेमेंट्स। आपको यहाँ पर आ करके पेमेंट की डिटेल डालनी है, जैसे कि अगर आप डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर देना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी, विच इज़ नॉट द केस, तो आप यहाँ पे फिनिश सेटअप पे जाकर के अपने बैंक अकाउंट की डिटेल शेयर कर सकते हैं, तो ये उस बंदे को स्क्रीन पे दिखाई देगा कैसे पेमेंट पे करना है और वो आपको डिटेल शेयर कर देगा, आप ऐसे भी ईबुक भेज सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका होता है आप पेमेंट ले कुछ पेमेंट गेटवेज के थ्रू, जैसे कि आपने सुना होगा इंस्टामोजो, तो इंस्टामोजो एक पेमेंट गेटवे सर्विस है, अगर इसका अप्रूवल ले लेते हैं आप पैसे यहाँ से ले सकते हैं, आप पेपाल से भी ले सकते हैं, आप स्ट्राइप से भी ले सकते हैं। तो इन सब के लिए आपको अलग अलग प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे WooCommerce के अंदर। वो कैसे करेंगे, तो सिंपली आपको आना है वापस से प्लगइन के सेक्शन में, एड न्यू प्लगइन पे जाना है, और इसके बाद में आपको सिंपली लिखना है WooCommerce और आपको एक दो प्लगइन दिखाई देंगे। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ WooCommerce, तो रिमेंबर बिगिनिंग में जब हम इंस्टॉल कर रहे थे यहाँ पे पहले ही आपको दिखाई दे रहा है कि अगर WooCommerce में आपको Stripe के थ्रू पेमेंट लेना है तो ये वाला ऑप्शन इनेबल करना है WooCommerce Stripe। अगर WooCommerce में PayPal से पैसा लेना है तो ये डाल सकते हैं। अगर आपको WooCommerce में अलग अलग पेमेंट विंडो, इवन RazorPay भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसको इंस्टॉल करके आपको एक्टिवेट करना है। एग्जांपल के लिए मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। ओके, तो इसी के साथ मैंने एक को एक्टिवेट किया, अगर आप देखेंगे WooCommerce, PayPal, इसके बाद में मैं इसको भी एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इंस्टामोजो, RazorPay, जो भी पेमेंट गेटवे आप यूज़ करना चाहते हैं उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपने उसको एक्टिवेट किया है, अगर आप फिर से WooCommerce में चले जाएं और यहाँ पर आने के बाद अगर आप सेटिंग में आकर के इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आप पेमेंट्स के अंदर आपको वो सारे अलग अलग अदर ऑप्शंस भी यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। तो जैसे मैं अभी पेमेंट्स पे जाता हूँ, अभी सामने यहाँ पे डायरेक्ट और ये तीन ऑप्शंस थे, अभी आपको स्ट्राइप भी दिख रहा है, पेपाल भी दिख रहा है। अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ, अगर आपका खुद का पेपाल का अकाउंट है आप इसको कनेक्ट करके रखें, अगर आपका स्ट्राइप का अकाउंट आप इसको कनेक्ट करके रखें, आपको यहाँ पर प्लगइन के अंदर ऐड न्यू प्लगइन में जाना है एंड देन यहाँ पर डाल दें RazorPay WooCommerce। तो इनका जो भी प्लगइन होगा, किसी ने भी बनाया होगा, ऑब्वियसली कंपनी ने बनाया होगा, तो अल्टीमेटली वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो RazorPay की साइट पे जाके आप देख सकते हो। तो अल्टीमेटली इस तरीके से आपको जो भी पेमेंट के ऑप्शंस आएंगे, वो पेमेंट के ऑप्शंस आपको इंटीग्रेट करना है। अब इसके लिए आपको सिंपली आपको एक्टिवेट करना है आपका पेपल का अकाउंट, इसके साथ कनेक्ट करना। अगर ये सारा काम आप कर लेते हैं आपको फिगर्ड आउट होगा कि यहाँ पर पेमेंट सेटअप हो चुका है। तो मैं फटाफट से मेरे अकाउंट को लॉगिन कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली मैंने कुछ नेविगेट किए स्टेप्स को। आप नॉर्मली पेपाल, अगर आपका अकाउंट है नहीं है तो बना ले, इसके बाद में आपको पेपाल के अकाउंट के साथ, स्ट्राइप के अकाउंट के साथ, किसी भी अकाउंट के साथ ऐड कर दे। जैसे मैंने इसको ऐड किया, अभी आपको नजर आएगा कि हमारा यहाँ पर पेमेंट इंटीग्रेशन हो चुका है। दैट मीन्स कि अभी वो कोई भी उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है सिंपली क्लिकिंग प्रोसीड टू चेकआउट, जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो अल्टीमेटली कुछ इस तरीके से हमें पेमेंट इंटीग्रेशन करना है।
ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स को यहाँ पे इंसर्ट किया कि भाई मैं यहाँ पे शिपिंग चाहता हूँ नॉर्मल, जैसे अगर अभी अगर कोई भी इसको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेगा, अगर आपका पेमेंट विंडो प्रॉपरली इंटीग्रेटेड होगा तो ये डायरेक्टली आपको चेकआउट विंडो पे लेके जाएगा और उस यूज़र को पेमेंट भी कर पाएगा। तो सिंपली यही वाला प्रोसेस है, सिंपली मैं प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने अभी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर वाला ऑप्शन वहाँ पर इनेबल किया, दैट्स द रीज़न। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इसका पूरा डिटेल, कहाँ पे करना है, क्या करना है। अगर आपने ऐड किया तो डायरेक्टली अभी यूज़र इसको पे कर पाएगा और वो ऑर्डर उसको रिसीव हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हमने एक्टिवेट किया, इसके बाद हमने पेपल का सेटअप किया। पेपल का सेटअप करने के बाद आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अब जैसे एक्टिवेट करेंगे दैट मीन्स कि अगर इसका प्रॉपरली इंटीग्रेशन हुआ होगा, अगर आपने पूरा प्रॉपरली कनेक्शन किए होंगे, जैसे कि अभी के लिए स्टिल इट इज़ अवेटिंग कि मैं टेस्ट पेमेंट टेस्ट करूँ और लिटिल बिट और, लेकिन अगर आपने किया होगा तो अल्टीमेटली यहाँ पर नज़र आएगा कि आपको जो भी चेकआउट वाले ऑप्शन हैं जो कि कुछ अभी बदल जाएगा, और वहाँ पर आपको वो सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे कि भाई आप इस तरीके से पेमेंट कर सकते हो, और जैसे वो पे करेगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, राइट। ऐसे प्रीवियसली हमारा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर वाला ऑप्शन था, तो यहाँ पर वो और जो भी आपने इंस्ट्रक्शन में बैंक की डिटेल दी होगी वो डिटेल यहाँ पर इनेबल रहेगी। यूज़र मैन्युअली ट्रांसफर कर सकता है, आपका यू पी आई आईडी आप दे दो उससे ट्रांसफर कर सकता है, वो आपको नोटिफाई कर सकता है। बट जहाँ तक हो सके ऑटोमेटिक सिस्टम रहे वही बेटर है कि उन्होंने यहाँ पर पेपाल पे किया और ऑटोमेटिकली उनको डाउनलोडेबल लिंक मिल जाएगा। तो दैट इज हाउ यू कैन सेट अप दिस होल प्रोसेस। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि इसको एग्जैक्टली प्रमोट कैसे करना है। अभी आपने आपकी साइट पे प्रोडक्ट को तो बना दिया, अब इस प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करेंगे जिससे कि आपकी अर्निंग होगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली ये आपकी एक ईबुक है, इसका लिंक आप जहाँ पे भी जाए प्रमोट कर सकते हैं या फिर खुद के ब्लॉग को प्रमोट कर रहे कर सकते हैं, लोग यहाँ पे आके परचेस कर सकते हैं। ओके, तो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि एग्जैक्टली ट्रैफिक कैसे लाए जाए। देखिए, इसके लिए आप तीन तरीके यूज़ कर सकते हैं, पहला एड स्पेसिस, दूसरा यूट्यूब और तीसरा फेसबुक एड। एड स्पेसेस होता क्या है, एग्जांपल के लिए अगर आप एम आर वी एस आइडिया की साइट पर जाए, अगर आप जेन्युइन में सही में क्रिएटर हैं तो आप कुछ ऐसे बिजनेस साइट्स को या फिर ब्लॉगर्स को कनेक्ट कर सकते हैं और उनको बोले कि भाई यहाँ पर इस प्रोडक्ट का एक बैनर मैं आपको बना के दूंगा, वहाँ पर आप ऐड करो और उससे जो भी सेल होगी उस पर आपको 50% का कमीशन मिलेगा, जो कि क्वाइट डिफिकल्ट है एक बिगिनर के लिए जिसपे कोई रिलाई नहीं करता। तो ये एक वो तरीका, अगर आप पॉपुलर है किसी पर्टिकुलर एरियाज में आपकी ईबुक को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। और द अनदर बेस्ट वे इज़ आप यूट्यूब का वीडियो बना सकते हैं, वहाँ पर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड 10 से ज़्यादा वीडियोस को अपलोड करें। एग्जांपल के लिए नीशेज है तो आप पहले बताएं कि ब्लॉगिंग क्या है, दूसरा वीडियो हो सकता है नीशेज क्या है, तीसरा हो सकता है ये 5 नीशेज अगर आप यूएसए मार्केट को टारगेट करना चाहते हो, और हर एक के अंदर आप आपकी ईबुक को प्रमोट कर सकते हैं। तो दैट इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वे जिससे कि आपकी साइट पे यूट्यूब चैनल पे जो ट्रैफिक आएगा उससे लोग आपकी ईबुक को प्रमोट करेंगे, लेकिन शायद यहाँ पे भी आपको व्यूज़ नहीं आए। तो तीसरा सबसे कारगर तरीका निकल के आता है गाइज, वो है फेसबुक एड। फेसबुक ऐड बहुत ही पावरफुल तरीका, एग्जांपल के लिए यहाँ पे जैसे मैं फेसबुक ऐड चला रहा हूँ, ऐसे इस पर्टिकुलर ऐड को मैं पिछले 30 दिनों से चला रहा हूँ और जितना मैंने पे किया, एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं मैंने इस ऐड के लिए पे किया है रफली $80 के आसपास, जो कि होता है ₹7,000 के आसपास, लेकिन उसमें से 800 लोगों ने वो किया है जो मैं करवाना चाहता हूँ। एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि भाई आप इस फॉर्म को फिल करो और आप इस कोर्स में एनरोल करो, तो उन लोगों ने उस कोर्स में एनरोल किया, तो ऐसे 780। तो आप फेसबुक पे जाके सेल्स कैंपेन चला सकते हैं और सेल्स कैंपेन के अंदर आप आपकी ईबुक को प्रमोट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए मैं इस पर्टिकुलर कैंपेन को ओपन करता हूँ, इस पर्टिकुलर कैंपेन को ओपन करके अगर आप किसी इमेज को देखते हैं, एग्जांपल के लिए ऐसे कुछ इमेज आप डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि आप कैनवा से कर सकते हैं, और यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि भाई फ्री टू मतलब 2500 प्लस निशेस ओनली फॉर ₹49। इससे लोग आपके उस लिंक को क्लिक करके आपके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज पे आएंगे, अगर उनको सही लगता है तो वो डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। तो हार्डली जितना आपका कैंपेन वेल ऑप्टिमाइज होगा, ₹1 और ₹2 में भी अगर आपको लीड आती है, और उससे अगर आपको दिन के अंदर अगर आप ₹100 खर्च करते हैं $1 और $2, उससे आपके 3 से 4 सेल जनरेट हो जाते हैं, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो लाइकवाइज आप फेसबुक एड मार्केटिंग को यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ऑडियंस नहीं है, अगर आप क्विक रिजल्ट देखना चाहते हैं, बट दिस इज एंड टू एंड प्रोसेस जिससे कि आप किसी भी ईबुक को सेल कर सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं। सो बेसिकली कुछ इस तरीके से आप ईबुक को सेल कर सकते हैं वाया फेसबुक एड। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं एग्जैक्टली फेसबुक एड को सेटअप कैसे किया जाता है, कैसे कैंपेन को चला जाता है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस वीडियो को अभी जाके देख लें।